ये जापान से मैं स्मार्ट कैमरा लेके आया था। इसमें कुछ दिक्कत हो रही है क्योंकि हमारे यहाँ पावर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, तो इसको रिपेयर करेंगे। क्या इसके अंदर प्रॉब्लम है, इसको ओपन करूँगा सबसे पहले, यहाँ से ओपन करूँगा और उसके बाद से ये पॉइंट है यहाँ भी मैं ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद से इसका मैं स्क्रू देखूँगा, एक स्क्रू, दो स्क्रू, एक स्क्रू इधर से, तीन स्क्रू। उसके बाद से मैं इसको ऐसे जेंटली ऐसे मूव करके ऐसे रिमूव कर लूँगा। रिमूव करने के बाद से फिर मैं इसको रिमूव करूँगा, ये रिमूव हो गया। और इसके अंदर एक स्क्रू है, ये आप चाहिए तो ऐसे इसको रिमूव कर सकते हैं। इसके अंदर का भी स्क्रू को हम लोग ओपन करेंगे ऐसे। ये पूरा डिसमेंटल हो गया, अब इसको चेक करेंगे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ये रहा पावर सप्लाई। कुछ फिजिकली चेक करेंगे, कुछ ब्रोकन है कि नहीं है। ठीक है, और उसके बाद इसको हम लोग रिपेयर करेंगे। थैंक। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो पावर सप्लाई है फ्लक्चुएशन के चलते में इसका कैपेसिटेंस ख़राब हो गया है। तो ये आपका 5 वोल्ट 220 से 5 वोल्ट आउटपुट है, इसको एसी से डीसी कन्वर्टर भी बोलते हैं। ये आपका देखिए यहाँ पे ब्रेक बर्न हो गया है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास 5 वोल्ट का चार्जर है। इसका मैं पावर सप्लाई निकालूंगा इधर से। इसको निकालने के लिए मैं ऑलरेडी इसको ब्रेक कर रखा हूँ, ये बाहर निकाले इधर से। इसको मैं बाहर निकाला और ये अभी मैं क्या करूँगा कि आपका एक 220 का कनेक्शन है, इधर मैं 220 का दे दूँगा और इधर से जो आउटपुट लाइन बन रही है ये आउटपुट में मैं इधर USB का कनेक्शन कर दूँगा यहाँ से, और इससे मैं सिस्टम को कनेक्शन दे दूँगा। और देने के बाद से मैं इसका फिर से सेटअप कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इस वीडियो से आपका इन्फॉर्मेशन और नॉलेज बढ़ता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जरूर इसको। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।